ये टेक्निकली दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई है जो निर्णय लिए गए जी जो लीकर वेंडर्स हैं, कहीं ना कहीं हक दिया गया गांव वासी को, जो देखिए वोटर्स है वो रेजोल्यूशन ला सकते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर समाज ये चाहता है कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि वो स्वयं निर्णय कर सकता है। और जब समाज स्वयं निर्णय करेगा कि हमारे यहाँ से ठेका बंद होना चाहिए, तो फिर जिम्मेदारी भी उसी की हो जाएगी, एक बड़े उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि 10% टोटल वोट का 10% लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि हमारे गाँव में से ठेका उठना चाहिए। तो फिर वहाँ पर कोई अवैध शराब ना बिके, गलत काम ना हो, तो वो जिम्मेदारी भी उनकी होगी। तो मतलब वो अपने आप निभाएंगे जिम्मेदारी कि भाई ये कोई भी गलत काम ना हो। तो मेरे ख्याल का बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, कि सरकार ने अगर कुछ कुछ गाँव ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ शराब ना बिके और ये गलत है, तो वो होना चाहिए। सरकार का भी कोई उद्देश्य नहीं है शराब बेचना, लेकिन अगर सारी को बंद करते हैं तो फिर आपने पहले परिणाम देख रखे उसके। तो हम चाहते हैं कि जो हो वो जनता की मर्जी से हो, जो जनता का सहयोग उसमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये निर्णय लिया गया कि जो टोटल वोट है उसका 10% लोग आम इजलास करें, और आम इजलास में बात पास करें कि भाई यहाँ नहीं होना चाहिए, तो हम उसको हटा देंगे वहाँ से। सर, हमेशा राज्य की कोशिश रहती है, हर प्रदेश की, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है या किसी की तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाए। बट अगर हरियाणा की बात करें, एक निर्णय लिया गया, एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये नहीं, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस प्रकार से सारे, अब हम किसी भी देश के साथ कोई अपने कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए, कुछ काम हो, तो अब वो किससे बात करें? वो पूरा एक मंत्रालय जैसे था ना जी, तो उस मंत्रालय के पास बहुत काम है, तो उस लिहाज से शायद उसको वो पूरा टाइम नहीं मिलता था। अभी कुछ जो बाहर के लोग आए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से भी कहा कि हम किसके साथ बात करें। तो उसके बाद ये विचार आया कि एक ऐसे विभाग की कोई गठन, विभाग का गठन होना चाहिए जो केवल इसी विषय को देखेगा, और जो आने वाला है उसको भी एक सुविधा होगी और हमें भी एक सुविधा होगी कि हम उस पर जब बार बार कोशिश करेंगे कि कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं और कौन यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, तो मेरे ख्याल का उसके परिणाम से ज़्यादा अच्छे होंगे। तो उसी विचार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि एक जिम्मेदारी किसी को दें, और ये जिम्मेदारी ताकि वो बाहर से देखे, बहुत से देश हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हमारे लोग भी हैं जो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, केवल आना ही नहीं, कुछ लोग बाहर भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक सहयोगी की भूमिका निभाएं। तो अगर ये विभाग होगा तो मेरे ख्याल ज़्यादा उपयोगी रहेगा। सर, निरंतर अगर महंगाई को देखते हुए, हर तरह महंगाई की मार पड़ रही है, अगर बात करें कल जिस तरह से निर्णय लिए गए, भत्ते बढ़ाए गए मंत्रियों के, तो आपको लगता है सही निर्णय, सही समय पर सही निर्णय भी जरूरत थी मिनिस्टर्स के भत्ते बनाने की? अब देखिए, बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी इस प्रकार के, तो उसको सरकार ने मान लिया, कुछ थोड़े से भत्ते उनके बढ़ाए गए। बट आपको लगता है राज्य पे थोड़ा बर्डन पड़ेगा इस तरह से भत्ते बढ़ने से? कहीं ना, देखिए, चाहे एक पैसा भी बढ़ेगा तो मैं ये कहूँ कि बर्डन नहीं बढ़ा, तो बर्डन तो पड़ता ही है, लेकिन ये बहुत छोटा सा ही है, इतना बड़ा वो नहीं है। सर, पराली जलाने की चर्चा हर जगह है, अगर खासकर ब्लेम किया जाता है हरियाणा पंजाब को, दिल्ली खासकर ब्लेम करता है। कल मुख्यमंत्री ने भी कंफर्म किया, 45 मामले दर्ज किए गए। आपको लगता भी सख्ती की बात करें, सख्ती कही जाएगी, सख्ती जरूरी है इस तरह से थोड़ा इस मामले को? लेकिन इस विषय पे जितना अच्छा काम हरियाणा ने किया, मैं समझता हूँ कि शायद कहीं नहीं किया। हमारे मुकाबले में पंजाब की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। हमारे यहाँ बहुत कम केसेस हैं, जो पिछली बार थे उसके मुकाबले में बहुत कम लोगों ने जलाई, और ऐसा ऐसा जागरूकता बढ़ती जा रही। अब किसी चीज़ को एकदम स्टॉप नहीं कर सकते आप, एकदम आप कहोगे कि आपने ये निर्णय ले लिया, इसके बाद कोई ये नहीं करेगा, कुछ भी काम ऐसा नहीं करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा ऐसा जागरूकता बढ़ रही, किसान भी ये समझता है कि ये शायद गलत है, और ऐसा ऐसा, लेकिन एक विकल्प चाहिए। हम विकल्प भी दे रहे, रोक भी रहे, दोनों काम कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास लाता हूँ आने वाले थोड़े टाइम के बाद ये सारा मामला बिल्कुल सुलझ जाएगा, और किसान भी समझता है इस बात को कि नुकसानदायक है, और जो जिस चीज़ से ज़्यादा लोगों को नुकसान है, देश को नुकसान है, तो वो नहीं करना चाहिए, वो भी समझता है, लेकिन कई बार वो मजबूरी में करता है। तो ऐसा ऐसा उसका विकल्प भी हम देते जा रहे हैं। हमने मशीनों पर 80% तक सब्सिडी दी, और उसके परिणाम सुख दे रहे हैं। ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ कि आने वाले एक दो साल में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।